नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं ट्रिक टीचर एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम, जहां पे हम बात करेंगे कि हम कैसे याद कर सकते हैं इस ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली टेबल को, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है इस चैनल का फ्यूचर, यानी कि किस तरह की वीडियोज आने वाली हैं आगे फ्यूचर में, और क्या होगा उनका टॉपिक, और भी बहुत कुछ। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, इस टेबल को याद करने के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है उन वेव्स के नाम के कॉलम को याद करना, और दूसरा पार्ट है फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ में से किसी एक कॉलम को याद करना। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को, फिर C=nu λ फॉर्मूले की मदद से आप वेव लेंथ की टर्म निकाल ही सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप गूगल करेंगे इस टेबल के बारे में, इसकी इमेजेस को, तो आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो रेंज है अलग अलग सर्च रिजल्ट्स में, वो वेरी करेंगी, लेकिन उनकी वैल्यू जो होगी वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इन वेव्स के नाम को कैसे याद किया जाए। तो दोस्तों, इन वेव्स के नाम को याद करने के लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, जो कि है रमी वुस्क। इस एक्रोनिम को जब हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा RMIVUXG, जिसमें R का मतलब है रेडियो वेव, M का मतलब है माइक्रोवेव, I का मतलब है इंफ्रारेड वेव, V का मतलब है विजिबल लाइट, U का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज, X का मतलब है एक्स रेज, और G का मतलब है गामा रेज। तो इसे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लिख लीजिए। आइए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की। दोस्तों, इन रेंजेस की जो वैल्यू होती है उसमें जो 10^10 वाली टर्म होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। तो उस 10^10 वाली टर्म को याद करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है एवोगैड्रो नंबर को। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10^23। इसमें भी हम 10^10 वाली टर्म को इंपॉर्टेंस देंगे, यानी कि 6.022 को साइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 10^23। तो आपको गामा रेज की मैक्सिमम वैल्यू पे लिख देना है 10^23। फिर करना है -4, तो आपको मिलेगा 10^19। तो 10^19 को लिख दीजिए गामा रेज की मिनिमम वैल्यू पर। फिर करिए +1, तो आपको मिलेगा 10^20। तो 10^20 को लिख दीजिए एक्स रेस की मैक्सिमम वैल्यू पर। उसके बाद फिर से करिए -4, तो हमें मिलेगा 10^16। तो 10^16 को लिख दीजिए एक्स रे की मिनिमम वैल्यू पर। उसके बाद फिर से करिए +1, तो हमें मिलेगा 10^17। तो 10^17 को लिख दीजिए अल्ट्रा वायलेट रेस की मैक्सिमम वैल्यू पर। फिर करिए -3, तो हमें मिलेगा 10^14। तो 10^14 को लिख दीजिए अल्ट्रा वायलेट रेस की मिनिमम वैल्यू पर। उसके बाद 10^14 को लिख दीजिए एज इट इज ऊपर विजिबल लाइट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पर। उसके बाद 10^14 को लिख दीजिए एज इट इज इंफ्रारेड रेज की मैक्सिमम वैल्यू पर, तो आपको मिलेगा 10^14 इंफ्रारेड रेज की मैक्सिमम वैल्यू पर। उसके बाद करिए -2, तो हमें मिलेगा 10^12। तो 10^12 आ जाएगा इंफ्रारेड रेज की मिनिमम वैल्यू पर। फिर 10^12 को लिख दीजिए एज इट इज माइक्रोवेव्स की मैक्सिमम वैल्यू पर। फिर करिए -3, तो हमें मिलेगा 10^9, जिसे आप लिख देंगे माइक्रोवेव्स की मिनिमम वैल्यू पर। फिर 10^9 को एज इट इज लिख दीजिए रेडियो वेव्स की मैक्सिमम वैल्यू पे। और फिर करिए -5, जिससे हमें मिलेगा 10^4, और 10^4 को लिख दीजिए रेडियो वेव्स की मिनिमम वैल्यू। और दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विजिबल लाइट की रेंज, क्योंकि वहाँ पे हमें दोनों साइड मिलता है 10^14। तो अगर हम ध्यान दें तो विजिबल लाइट जो नाम है वो है 4th पोजीशन पे, तो आप विजिबल लाइट की मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को। अब अगर हम 4 को डबल करें तो हमें मिलता है 8, तो आप विजिबल लाइट की मैक्सिमम वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 को। तो विजिबल लाइट की रेंज हो जाएगी 4 × 10^14 × 8 × 10^14। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन हमने लगाए हैं वो लगाए हैं 10^10 में जो टर्म है हमारे पास उस पर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये पूरी सीरीज, यानी कि जिस क्रम में हमने ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए हैं, जो कि है -4 + 1, -4 + 1 सेम, -2 - 3 - 5, जहाँ पे विजिबल लाइट के नीचे वाली टर्म्स में हम जो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं वो हम +1 करके लेते हैं, जबकि विजिबल लाइट की जो ऊपर वाली मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं वो हम एज इट इज ले लेते हैं नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू के। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मेथड की मदद से इस टेबल को बनाने की कोशिश करें कुछ बार, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो अटपटा तरीका है ये आपके दिमाग में आराम से बैठने लगेगा और आप आसानी से याद कर पाएंगे इस टेबल को। तो आइए बात करते हैं इस चैनल के फ्यूचर के बारे में। तो आई स्टार्टेड दिस चैनल जस्ट पर्टिकुलरली बेस्ड फॉर ट्रिक्स, ओके, पर मुझे लगता है कि अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो ट्रिक्स की वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे, पर साथ ही साथ हमारे पास आएंगे
कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस भी, जिसमें होंगे कोर टॉपिक्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है और आपको वीडियो नहीं मिलती कोई उसकी यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द, हफ्ते में 2 वीडियोस मिनिमम आएंगी। काफ़ी महीने से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस चैनल के फ्यूचर वीडियोस कैसे होने चाहिए, क्या टॉपिक्स होने चाहिए, और नाउ आई थिंक आई एम क्लियर विद इट एंड आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल हो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस क्लिक दिस आई बटन, जिसमें मैंने लिंक कर रखी है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज। इसी के साथ धन्यवाद, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।